सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ था। वो कहते थे मैं बड़ा हूँ, वो कहते थे मैं बड़ा हूँ। ब्रह्मा कहते थे चूंकि मैं पालन कर पैदा करता हूँ इसलिए बड़ा हूँ, और नारायण कह रहे थे मैं पालन करता हूँ इसलिए बड़ा हूँ। जब निर्णय नहीं हो सका तो दोनों मिलकर के ब्रह्मा जी के भगवान शंकर के पास आए, क्यों निर्णय तो यही देते हैं ना, देवताओं के सरपंच हैं ये कौन। जब देवताओं में समस्या उलझ जाए न सुलझ पाए तो फिर शंकर की शरण आते। मनुष्यों की समस्याएं देवता थोड़ा बहुत हल करते हैं, और देवताओं की समस्याओं को महादेव भगवान शंकर हल करते। दोनों पहुंचे हैं भोलेनाथ को पता लग गया, सर्वज्ञ हैं वो, तो अग्निस्तंभ प्रकट कर दिया। अग्निस्तंभ खंभा जल, तो स्तंभ इतना बड़ा पैदा किया कि आगे देखा ही नहीं रहा कहां तक। भगवान शंकर ने कहा कि जो इसका आदि या अंत पालेगा दोनों में वो बड़ा हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले मैं ऊपर जाऊं, नारायण बोले मैं नीचे चला जाता हूं। नारायण जी चले, थोड़ा नीचे गए, वापस आ गए। क्यों, आपको आदि का पता लग गया क्या? नहीं बोले नाथ, वेदों ने आपको अनादि कहा है। जिनकी आदि का किसी को पता ही ना हो उसका नाम अनादि कहलाता है। तो अनादि की आदि का पता तो लग ही नहीं सकता, फिर हम अपना समय क्यों खराब करें, इसलिए हम जल्दी वापस लौटे आपके। उनको आ जाने दो। फिर निर्णय ने वो चलते गए सैकड़ों वर्षों तक चलते गए, लेकिन ज्योति का अंत नहीं मिला। विराट चेतना आजकल जिसे कहते हैं, क्या ऊर्जा, परमात्मा ऊर्जा रूप है, विराट चेतन तत्व है, चेतन से ही ये संसार बनता है, उन्हीं से बनता है और वही बनते हैं। थोड़ा कठिन तो है पर सोच समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखो स्वप्न आपको आता है, सबको अनुभव है ही है। स्वप्न में का जो जगत आपको दिखता है उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कभी सोचा? आपसे ही, आपके द्वारा आप ही स्वप्न का जगत बनते हैं। जड़ से जगत बन नहीं सकता ना, चेतन से बनेगा। और आपके अंदर चेतन तत्व है और लाइट भी है, ये भी ध्यान रखें। अंधेरी रात है, नेत्र बंद है, कमरा बंद पड़ा है, और अंदर आपको स्वप्न दिख रहा है कि नहीं, बोलो भाई। तो वस्तु प्रकाश में दिखती है कि अंधकार में दिखती है? इसका मतलब एक तो ये सिद्ध हो गया ना कि आपके अंदर प्रकाश है, और वो आपकी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। और स्वप्न का जो जगत है वो आपसे ही बना है, आप ही स्वप्न बन गए हो, आप ही स्वप्न बनना बनते हो और आप ही स्वप्न को देखते रहते हो। गुरुवाणी में कहा गया आप है घट, आप है अमृत, आप है पीवन हारा। थोड़ा सा कठिन है, आगे सरल सुना देते। दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीन होते हैं, आप है घट, आप है अमृत, आप है पीवन हारा। ब्रह्मा जी गए ऊपर, अंत तो मिला नहीं, कहीं विष्णु को ना मिल गया हो। तो केतकी पुष्प से कहा कि तुम गवाही दे देना कि मुझे ऊपर से उतारा है आपके
पड़ता। और गौ माता से कहा तुम भी गवाही दे देना, मैं तुमको और योग श्रेष्ठ बना दू। लौट के आए, आओ ब्रह्मदेव पधारो, बहुत समय बाद लौटे, आप तो अंत पाके लौटे होंगे। प्रभु अब गया था तो अंत पाके लौटना था, अंत मिल गया। बोले हाँ, प्रमाण क्या है? केतकी पुष्प है, ऊपर से उतारा है। दूसरा गवाह अदालत में आज ही कम से कम दो गवाह चाहिए ना भाई। गौ माता उन्होंने भी सिर हिला दिया। भगवान शंकर को क्रोध आ गया, अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए धर्म का त्याग करने वाले जाओ दोनों को, दोनों को अभिशाप है। केतकी पुष्प से जो मेरी पूजा करेगा सर्वस्व मिट जाएगा। गौ माता तुम्हारा पूरा शरीर तो पवित्र रहेगा लेकिन मुख तुम्हारा अपवित्र हो। जिस बर्तन में गाय को खाना दिया ना तो उसको अच्छी तरह साफ करना होता है, तब पवित्र होता है। और नारायण आपने सत्य का पक्ष लिया है इसलिए आपके राम कृष्ण भी अवतार होते रहेंगे, जगह जगह आपके मंदिर बनेंगे, जगह जगह आपका कीर्तन भजन पूजन होता रहेगा। अब ब्रह्मदेव हमारा अभिशाप है, तुम्हारा कहीं मंदिर भी नहीं बनेगा।